वेलकम टू बायलॉज। अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा कि पुलिस कभी हरेस करती है, कभी परेशान करती है और कभी अननेसेसरी हमें लीगल प्रोसेस में फंसाने की धमकी देती है। हालांकि पुलिस का रोल पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई मामलों में पुलिस नेगेटिव रोल भी प्ले करती है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता के पास, हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल होती है, हमारे पास कौन कौन से उपाय होते हैं कि हम पुलिस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा पाए। इस विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम एक लीगल एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं, एडवोकेट रेणु डी सिंह। शी इज वेरी रेनाउंड पर्सनैलिटी इन उत्तराखंड, नॉट ओनली इन उत्तराखंड, इन एट इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल। मैडम पिछले करीब 30-35 साल से लिटिगेशन, सोशल एक्टिविज्म, विमेन राइट्स, पुलिस रिफॉर्म और मल्टीपल एरियाज में काम कर रही हैं। एंड मैडम समाधान एनजीओ की प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम आपका स्वागत है इस लीगल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार एडवोकेट पार्थ और सभी देखने वाले ऑडियंसेस को मेरी वंदे मातरम। थैंक यू मैडम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो जी एसपीसीए है, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सबसे पहले हम आपसे ये जी समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्या है और इसका रोल क्या है। बिल्कुल पार्थ, मैं यहाँ पे क्योंकि समय की सीमा देखते हुए बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी और साथ ही साथ ये भी कोशिश करूंगी कि हमारा ऑडियंस को ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण क्या है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका संबंध सीधे सीधे जो हमारा पुलिस एक्ट है संशोधित 2007 से घर में लागू हुआ उससे है और ये उसके तहत है। और इसकी उत्पत्ति जहां तक अगर आप कहें कि कैसे ये हाउ इट ऑल केम इन टू फॉर्म, राइट, हाउ इट स्टार्टेड, द जेनेसिस ऑफ दिस, ये कैसे बिगिनिंग हुआ, वो ये हुआ था कि 2006 में एक राजनीतिक उथल पुथल मची थी पंजाब में, जहाँ पे उस समय के जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हुआ थे उस समय, वो प्रकाश सिंह बादल जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि वर्सेस स्टेट। तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई थी, हालांकि हुई थी राजनीतिक कारणों से, जहां पर कि जो पुलिस का रोल रहा था उसमें जुडिशरी ने इस चीज को फील किया कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट से ही ये गाइडलाइंस भी आए थे लेटर ऑन। तो बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक प्रेशर के चलते और व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के चलते बहुत सारी सिविल लिबर्टीज, बहुत सारे जो नागरिक अधिकार होते हैं इनके ऊपर जो है सीधे सीधे एक तरीके से इन्फ्रिंज किया था। और उसको लेकर के उस केस में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज किया था कि भाई अगर ऐसा ही चला, अगर इस तरह से अंधाधुंध शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर जो यूज होनी चाहिए वो उसके बाहर जाके अगर पुलिस फोर्स के द्वारा यूज करी जाने लगेंगी तो देश की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी, नागरिक अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, एक रूलिंग लेकर के आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको पुलिस की पुलिसिंग कौन करे, यानी कि जब पुलिस के उच्च अधिकारी पावरफुल, जिनके पास बहुत शक्तियां निहित है कानून की, सीआरपीसी की अधिकांश शक्तियां निहित है उनके पास में, उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, यानी कि वो अगर अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे, याद रखिएगा पार्थ, यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये कि मर्यादाओं का उल्लंघन करने पे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पुलिस को बिना दांतों वाला शेर बना के छोड़ दें, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि तब क्रिमिनल्स, एंटी नेशनल्स, जो हमारे देश के अंदर की सारी सुरक्षा है वो तो सारी पुलिस को ही देखनी है। और वहां पे दोनों तरह के लोग हैं, वहां पे एक तबका ऐसा है जो कानून तोड़ने के लिए नित नई चीजें लेकर के आ जाता है और एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल मासूम है, इनोसेंट है, नागरिक है, वो पिस जाता है, पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में वो पिस जाता है। तो इस वजह से ये जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज बनी स्टेट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हर स्टेट पे बनाई जा, फिर स्टेट इसको जिला लेवल पे भी इन अथॉरिटीज को बनाए,
हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो प्रावधान निकाल के आया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे, ये भी हम जानते चले, अपने दर्शकों को बताते चले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो शेड्यूल सेवन में जो है ये स्टेट के ऊपर ये पावर्स निहित करी गई है कि वो अपने स्टेट में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज को बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे हुआ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज। इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य ये है कि ये जब भी कभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करें, सीआरपीसी के दिए हुए पावर्स का मिसयूज करें, अब्यूज करें और किसी नागरिक के जो सार्वभौमिक अधिकार हैं उनका हनन यदि करें, तब वहां से ये एक्टिव हो जाती है। मैडम, जैसे आपने बताया कि सीआरपीसी में बहुत सारे राइट्स पुलिस को दिए गए हैं और पुलिस उन सारे अधिकारों का प्रयोग करती है, और ऐसा करना जरूरी भी होता है क्योंकि पुलिस का ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे, क्राइम को रोके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए पुलिस किसी के साथ मिसबिहेव करती है या किसी के साथ इलीगल एक्ट करती है। तो कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए इसे बाइफरकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे हम इसको समझेंगे कि पुलिस अपने लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रही है या पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है, और किन बातों के लिए हम एसपीसीए का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। जी एडवोकेट पार्क, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं इसको बिल्कुल बहुत सिंपल सरल तरीके में यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज है, एक आम आदमी किसी, उसके ऊपर किसी तरह का एक अपराध हो गया और वो जो अपराधी व्यक्ति है वो मान लीजिए बहुत ही वसीले वाला है, थोड़ा सोर्सफुल आदमी है, अमीर है या शक्तिशाली है या पॉलिटिकली पावरफुल है, व्हाटएवर वे, तो ये जो आम आदमी उसका विक्टिम बना, ये सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले थाने पे जाता है, और जब उसकी कंप्लेन लिखाने की बात करता है, एफआईआर लिखाने की बात करता है, तो थाने वाला उसको चौकी थाने से उसको टाल देता है। तो ये आदमी बेचारा पहुंच जाता है एसएसपी कार्यालय, एसएसपी कुछ करेगा, एसएसपी भी उस आदमी के विरोधी का, विपक्षी का नाम देखता है कि अच्छा ये तो इसकी शिकायत कर रहा है, भाई ये तो बहुत बड़े आदमी है, और वो उसको कहता है अच्छा हम इसमें देख लेंगे, पहले थोड़ा देखते हैं क्या करना है, ठीक है आप अभी जाइए, एप्लीकेशन रिसीविंग नहीं देते, उसको रिसीविंग तक नहीं देते। फिर ये जो आम आदमी होता है ये और ऊपर चला जाता है, आईजी पे चला जाता है, डीआईजी पे चला जाता है, फिर और ऊपर डीजीपी पे, वह बात घूम फिर के ढाक के वही तीन पात। अगर एक बार कोई पुलिस अधिकारी ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर इनमें आपस में, ये तो बात तय है कि सबका आपस में बातचीत कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और क्विक होता है ऐसे मामलों में खासतौर से, और ऑलरेडी वो जो बड़ा आदमी जो आम आदमी को सता रहा होता है उसके पास ऑलरेडी खबर जा चुकी होती है कि साहब आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेन आ गई है, तो एफआईआर बचते हैं हमारे नागरिक के पास में। पहला ये बचता है कि वो अपनी जो चिट्ठी है उसको बाई पोस्ट भेज दे, दूसरा तरीका होता है कि वो अपनी चिट्ठी को रजिस्टर्ड मेल के द्वारा भेजने के पश्चात एक बार ईमेल भी कर दे, उसके बाद भी जब उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तब क्या बचता है? तब ये बचता है कि वो इन्हीं चीजों को बेस बना करके, जहां पर ये एसपीसीए का रोल से पहले एक और तरीका बता रही हूँ कि वो जा सकता है 156(3) सीआरपीसी के तहत अपने लिए राहत मांगने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, जेएम बन के अदालत में जा सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई साहब ये क्राइम मेरे ऊपर हुआ है, क्राइम करने वाला फला फला बंदा है, ये मेरी चिट्ठियां हैं लेकिन इस पे कोई कॉग्नाइजेंस नहीं ले रही है पुलिस और इसमें मेरी कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तब क्या होता है, कोर्ट से उसको उम्मीद होती है कि राहत मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट से बहुत डिले हो जाता है, 56(3) जिसमें तत्काल राहत मिलनी चाहिए, कभी कभी किंचित कारणों से उसमें एक एक महीने का नोटिफिकेशन टाइम वेस्ट करा दिया जाता है। यहाँ पे आदमी की जान जा रही है, उतनी देर में तो उसके ऊपर और हजार अपराध हो जाते हैं, उसके परिवार पे अपराध हो जाते हैं, उस पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा गंदा एक वो चक्र है जिसमें वो विशियस साइकिल में फंसता चला जाता है। यहां से रोल शुरू होता है एसपीसीए का। एसपीसीए में
सीधे जाके अपनी कंप्लेन वो व्यक्ति दे सकता है कि उसके साथ इस तरह की बात हो रही है, और क्योंकि उसके पास समय कम है इसलिए उसके उसके मानव अधिकारों की, उसके नागरिक अधिकारों की, उसकी नागरिक स्वतंत्रताओं की और उसकी मर्यादा गरिमा की, मानव गरिमा की रक्षा की जाए। क्योंकि हम लोग लीगल प्रोफेशन में हैं एंड वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, लेकिन एक जो ले मैन है, एक कॉमन मैन है, आप उसको प्रोसीजर बहुत आसान भाषा में समझाइए कि सपोज लेट सपोज एक रिक्शा वाला है या फिर कोई भी रेडी पे ठेली लगाने वाला पर्सन है जिसको पुलिस ने प्रताड़ित किया है, आप उसको एक सामान्य एक आम भाषा में प्रोसीजर कैसे बता सकते हैं कि कैसे वो अप्रोच करेगा एसपीसीए को, कैसे वो अपनी कंप्लेंट वहां पर मूव कर सकता है। बिल्कुल, अब आपने जब जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उसे तो ये भी नहीं पता होता कि एक एप्लीकेशन भला लिखेगा कैसे, राइट? उसको तो अपनी एप्लीकेशन भी लिखनी नहीं आती। जी, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे इजी बात है, जो इजीली समझी जा सकती है, वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी देश की 24 राज्यों में स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी यानी कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण बन चुके हैं। आम आदमी को गूगल पे उसका एड्रेस लोकेशन मिल जाता है, उसको सीधे सीधे वहां पे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए। वहां पर जब वो प्रस्तुत होता है तो किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती पर्ची, जैसे कोर्ट में तो कुछ भी एक एप्लीकेशन भी डालनी है तो वकील चाहिए, यहाँ कोई वकील नहीं होता, यहाँ पे कोई फीस कोई चार्जेस नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा इतना होता है कि 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पे उसका एक हलफनामा बना लिया जाता है और वहां पे एक क्लर्क एक लिपिक बैठा होता है जो उससे उसकी पूरी बात पूछता है और यदि वो अशिक्षित है तो उसकी कंप्लेन लिखने में मदद करता है। कंप्लेन लिखे जाने के पश्चात वो उसको पढ़कर सुनाता है, यही सच्ची प्रक्रिया यही है, उसको पढ़ के सुनाया जाता है और पूछा जाता है कि कंप्लेन में लिखा गया क्या हर शब्द जो वो चाहता है वही है। और जब ये निश्चित हो जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो कह रहा है कि हाँ भाई साहब इसमें वो सब कुछ आ गया साहब जो मैं कहना चाहता था, उसके पश्चात उस व्यक्ति को कहा जाता है कि यहाँ पर अपना अंगूठा लगा दो या साइन कर दो, जो भी है वो जो करना जानते वो कर लिया जाता है। और इसका आगे जो 5 वहां पे 4 तो उसमें देखिए मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, है ना, और एक चेयरपर्सन होता है। ये जो चेयरपर्सन होता है उसकी उसके सामने ये टेबल किया जाता है। इसको टेबल करने के पहले इस आम व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को सूचित किया जाता है, जो भी फोन नंबर या पता वो देता है उस पे एक समन एक लेटर सूचना उसको भेजा जाता है कि अमुक दिन पे आपकी सुनवाई है, आप आइए। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि शीघ्र अति शीघ्र उसकी सुनवाई करी जाए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जहां पर किसी के प्राणों का भय है और वो निश्चित रूप से है, यानी कि वो श्योर है कि वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, यानी कि कहीं अबेटमेंट हो रहा है या उसको आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल भी सुनवाई का प्रावधान होता है। तो इसमें 3 व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक होती है, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन 3 व्यक्ति वहां पे रहेंगे। पहला एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जस्टिस होगा, जज होगा, एक रिटायर्ड पुलिस का, इसमें कोई सरकारी कोई इसमें प्रेशर नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, तो हालांकि स्टेट के द्वारा ये लोग नामित किए जाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी पावर में गवर्नमेंट में बैठा है या मिनिस्ट्री में कहीं बैठा है वो इसमें इसका कोई कार्य नहीं, यहाँ तक कि वकील का भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं। यहाँ पर वो एक जज साहब बैठे होते हैं, उसके चेयरपर्सन, ये कॉमन आदमी की जानकारी के लिए बता दो, एक हाईकोर्ट के जज साहब होंगे, एक कोई रिटायर्ड पुलिस का बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर होगा डीजीपी डीजी रैंक का, एक कोई व्यक्ति होगा जो एनजीओ सेक्टर से होगा सोशल वर्कर होगा, एक कोई व्यक्ति होगा जो बहुत ही सीनियर वकील होगा लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव होके कुछ नहीं होगा, वो न्यूट्रल टाइप का व्यक्ति होगा, उसका कोई पॉलिटिकल कोई लॉबी को बिलोंग नहीं करेगा, और एक कोई महिला होगी जो जेंडर को बैलेंस किया जाता है, जेंडर को बैलेंस के लिए एक कोई महिला रहेगी, वो सोशल सेक्टर से हो सकती है, एनजीओ सेक्टर से या प्रोफेशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 नौ का ये एक बन जाता है वहां पर अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी के सामने उस व्यक्ति को जिस जो शिकायत लेकर आता है उसको बुलाया जाता है, उसकी बात को फिर से सुना जाता है, जो उसने चिट्ठी पे लिखा होता है वो उससे पूछा भी जाता है, और जो दूसरी पार्टी होती है जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसको भी नोटिस जाता है, वो पुलिस अधिकारी भी वहां पर बुलाया जाता है। लेकिन
पहली मीटिंग में सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं कराया जाता, दोनों से पहले अलग अलग बात की जाती है, क्योंकि जो आम आदमी वो तो ऐसे ही पीड़ित है और पीड़ित हो जाएगा, है ना, उसको देख के और डर जाएगा। तो ये बहुत ही एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट के अंदर जो है सुनवाई की जाती है। तो लेकिन इसमें जो राहत दी जाती है, जो रेमेडी दी जाती है, वो किस तरीके से दी जाती है, क्या क्या एक्शन एसपीसीए ले सकता है अगर पुलिस वाले को दोषी पाता है? यदि पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, तीन तरह से दोषी पाया जाना चाहिए। पहला कि उसने सीआरपीसी के पैरामीटर्स, जो हमारी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया है, उसके पैरामीटर्स को किसी तरह से यदि उसने उल्लंघन किया है, तो एक तो वो है कि उसने क्यों उल्लंघन किया, उसने पुलिस एक्ट के बाहर जाकर के अपनी भूमिका गलत तरीके से निभाई है, एक ये। दूसरे जिसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, यानी कि सामने से दिखने से ही पता चल रहा है कि उसने बहुत बुरी तरह से उस पीड़ित व्यक्ति को पीट रखा है, मार रखा है, कस्टडी में उसको बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे वहां पे रखे रहा 24 घंटे से ज्यादा, उसको उसका कोई बयान नहीं कराया गया, उसको मेडिकल सहायता नहीं दी गई, और इन सभी के कोई ना कोई साक्ष्य होना बहुत आवश्यक होता है। तो अथॉरिटी को ये भी अधिकार है कि वो यदि आवश्यकता पड़े तो मेडिकल टेस्ट के लिए भी पीड़ित व्यक्ति को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो पुलिस वाला है उसने अपने द्वारा किए गए अपराध को छुपाने का यदि प्रयास किया है, साक्ष्यों को मिटाने का यदि प्रयास किया है, तो उसको भी कॉग्नाइज किया जाता है। तो जब ये सारी चीजें या इसमें से कुछ चीजें भी, यदि उसमें से एक भी चीज साबित होती कि उसने अपनी नैतिकता को किनारे रख के, उसने अपनी एथिक्स को किनारे रख करके, और उसने जो देश का संविधान है उसमें जो एक पुलिस की भूमिका थी, जो एक पुलिसमैन को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए, उस सभी मर्यादाओं गरिमाओं को भंग करते हुए उसने एक ऐसा कार्य कर डाला है जिससे पुलिस पे से आम जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा, तो वो सब चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज टर्मिनेट की जा सकती है, हाई लेवल उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत बड़े बड़े केसेस में इवन सीबीसीआईडी की इंक्वायरी या सीबीआई की इंक्वायरी भी इनिशिएट करने की शक्ति एसपीसीए के पास है। एक तरीके से ये काजी कोर्ट की तरह काम करता है, यानी कि इसकी भी जो ताकतें हैं वो एक कोर्ट के जैसी हैं। सिर्फ सजा नहीं दे रहा लेकिन वो निर्देश दे सकता है, वो किसी को समन कर सकता है, यानी कि उसकी मर्जी के बिना भी उसको बुला सकता है। यदि व्यक्ति कहे कि मैं नहीं आना चाहता, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का यदि एक समन उस पे जाता है तो उसको वहां पे पेश होना पड़ेगा, और एक आम आदमी की तरह सवाल जवाब उससे भी किए जा सकते हैं। आपने मैडम जैसे बताया कि एसपीसीए भी एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट की तरह होती है। अब इसमें मेरा सवाल यह है कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर आईओ इन्वेस्टिगेट करता है किसी मैटर में, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर वो आरोपी को प्रताड़ित करता है या आरोपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो ऑलरेडी एक केस कोर्ट में चल रहा है, तो जिस समय मैटर वो कोर्ट में चल रहा है, क्या एट द सेम टाइम वो जो आरोपी है वो एसपीसीओ को अप्रोच कर सकता है, can file the complaint before SPCA against the police officer who is investigating in the matter? जी बिल्कुल पार्थ, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है, और मैं इसमें बताना चाहूंगी, यदि अभी कोर्ट की बात तो आई नहीं रही, अगर पुलिस के पास केस है तो मतलब है कि अभी चार्जशीट नहीं हुआ, मतलब है कि अभी प्रोसेस 154 सीआरपीसी से लेकर के 173 के बीच में है, ठीक है, चार्जशीट दाखिल करने के पहले तक ही केस के जो सारी चीजें हैं वो पुलिस के हाथ में होती हैं। अब इस दौरान अगर पुलिस उससे किसी तरह का जो एसओपीज हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, अक्सर करके ऐसा महिलाओं के साथ हो जाता है कि बहुत सारी चीजें एसओपीज के अकॉर्डिंग पुलिस नहीं कर रही है और उसको प्रताड़ित कर रही है, या क्योंकि हम लोग महिलाओं के केस में ज्यादा काम करते हैं, खासतौर से रेप केसेस में हमने देखा कि बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे शिकायत करने वाले यानी कि पीड़ित व्यक्ति को ही इस तरह से प्रताड़ित कर देते हैं कि एक अबेटमेंट का क्राइम भी हो जाता है, यानी कि व्यक्ति आके आत्महत्या भी कर लेता है। तो ऐसी हर स्थिति में जहां पे आपके पास प्रूफ है, आप बता सकते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये प्रक्रिया के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, वो खुद अपराधी होते हैं
और जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही होती है, पूछताछ भी जरूरी है किसी केस में, बिना पूछताछ के भी नहीं होता, और वो आनाकानी कर रहे होते हैं, उनको बताना नहीं है, तो पुलिस को कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब उन्हें सख्ती करनी पड़ती है तो भी लोग इसका SPCA का गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। देखिए SPCA ये नहीं कहता कि अच्छा पुलिस ने कुछ भी कह दिया और आप फौरन पहुंच गए SPCA, ऐसा भी नहीं। आपके ऊपर यदि आरोप लगा है आप पुलिस को बताएंगे, वो आरोप झूठ है तो पुलिस आपको पूरा मौका देती है, 161 होता है, 163 होता है, देखिए कितनी प्रक्रिया चलती है, 173 तक तो केस बहुत बाद में पहुंचता है, पहले तो केस डायरी में हर चीज की एंट्री होती है, उसके बाद जाके पुलिस जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जांच अधिकारी होता है वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ ये अपराध इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर हुआ है। लेकिन उस बीच में कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपको भी पता है कि वो इतने शरीफ नहीं होते कि पुलिस से हाँ भाई बता दो तुमने क्या किया और वो बता देंगे, है ना। और आज तो आपने देखा ही है कि जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास बेस्ट ऑफ लॉयर्स होते हैं, पुलिस के पास तो इतनी भी ताकत नहीं होती ऐसे में कि लॉयर को हटा नहीं सकते वहां से, उसका अधिकार है नागरिक का, अपराधी का भी अधिकार है कि अपने लॉयर को साथ लेकर के पूरी जांच में बैठ सकता है, थ्रू आउट द जांच, यहाँ तक कि जेल अगर गया है तो वहां पे भी लॉयर पहुंच सकता है उसको राय देने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए। तो अब आप बताइए ऐसी स्थिति होती है एडवोकेट पार्ट जहां पर पुलिस का जो रोल होता है वो बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दोनों चीजों में संतुलन बना ले कि वो अपराधी के साथ, हाँ एक चीज जो जरूरी है कि अब आज भी हमारा संविधान इस चीज की, हमारा कानून इस चीज की परमिशन पुलिस को नहीं देता, CRPC नहीं देता, पुलिस एक्ट इस बात की परमिशन करता ही नहीं देगा, ना ही इसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की फिजिकल प्रताड़ना या किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रताड़ना की जाए जिससे व्यक्ति निर्दोष प्रूव होने पर उस चीज को अनकरा ना करे, यानी कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो उसके लिए आजीवन एक त्रासदी बन के रह जाए, ऐसा ऐसी कोई भी जांच नहीं होती, ऐसी किसी प्रकार की जांच करने की इजाजत हमारा कानून नहीं देता, चाहे कितना भी हार्डकोर अपराधी के ऊपर, क्योंकि आरोपी है वो, जब तक पुलिस पे इंक्वायरी हो रही है वो आरोपी ही है, जब आरोप पत्र दाखिल हो रहा है तो आरोप अभी भी अपराधी प्रूव नहीं हुआ, अपराधी तो प्रक्रिया कोर्ट में होगी, जब वहां से उसको बताया जाएगा कि हाँ ये अपराधी प्रूव हो गया, है ना, उस प्रक्रिया के सिद्ध हो गया कि इन्होंने अपराध किया, तो तब तक उसके सारे मानवाधिकार, और इवन अपराधी प्रूव होने के बाद भी उसके मानवाधिकार, उसके मूल अधिकार का हनन नहीं होता है, उसमें सिर्फ उसकी कुछ लिबर्टीज को पुलिस के पास है कि हाँ अगर वो खतरनाक आदमी है तो हम उसको बंद करके रख सकते हैं, अगर उसके द्वारा कोई और अपराध होने की ऐसे लग रहा है संभावनाएं हैं तो उसको, लेकिन सबके अंदर जुडिशरी का हस्तक्षेप रहेगा, कुछ भी पुलिस फैसला लेगी तो जुडिशरी के हस्तक्षेप के बिना नहीं कर सकती। काफी विस्तार से मैडम आपने बताया, एक आम आदमी की भाषा में आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। एक अंतिम सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा कि अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर SPCA का गठन नहीं किया गया है, तो जहां पर SPCA नहीं है, जहां पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण नहीं है, वहां पर हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे और किसे अप्रोच करेंगे, कहां पर हम कंप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देश में अभी 24 राज्यों में ऑलरेडी SPCA का गठन हो चुका है, हालांकि ये एक अलग बात है कि वहां पे कितना फंक्शनल है, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, हम अपनी कभी किसी और वार्ता में उसको भी कवर करेंगे, लेकिन 24 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में ऑलरेडी SPCA। अब आप कह रहे हैं कि जहां पर नहीं है वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पर देखिए सबसे जो पहला इलाज है वो ये है कि पीड़ित व्यक्ति यदि उसको मालूम है कि उसके ऊपर अपराध हुआ है और FIR नहीं हो रही है, या FIR हो चुकी है, अब उसके ऊपर प्रताड़नाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच कर सकता है, यानी कि प्रदेश में हर जगह अब हमारे पास में मानवाधिकार आयोग जा सकती है, यदि महिला का मामला है तो महिला आयोग को अप्रोच कर सकती है। एक बात और कहूंगी यहाँ पे पार्ट, सभी को पता है कि जो मानवाधिकार का जो हमारा एक्ट है, कानून है, उसमें ये दिया गया है कि यदि FIR कायम हो जाती है तो उनका जुरिस्डिक्शन हट जाता है, यानी कि लोग वहां नहीं जा सकते, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये पार्टली सही है और पार्टली गलत भी है, क्योंकि आप वहां बिल्कुल जा सकते हैं, ड्यूरिंग
आपकी एफआईआर का ये हो रहा है, कोर्ट में नहीं पहुंचा है केस, लेकिन आपकी एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उस बीच में आपके मानव अधिकार का हनन हो रहा है, वहां जा सकते हैं। दूसरी बात, हम सीधे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, यदि हमें यकीन है कि हमारा जो आयो है वो हमें घुमा रहा है, हमें और ज्यादा फंसा रहा है, हमारे खिलाफ किसी तरह के षड्यंत्र में शामिल हो गया है, या जो जो दूसरी पार्टी, दूसरा पक्ष है जिसके विरुद्ध हमने रिपोर्ट करी है, उसके साथ मिलकर नेक्सस में हमें नुकसान, हमारे केस में हमारे न्याय की जो मार्ग है उसको अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्रदेश के हाईकोर्ट में भी जा सकता है। तो राहतें ये तीन जगह से उसको मिल सकती है। अलावा इसके जो अभी का जो मेरा अपना अनुभव रहा है, यहाँ पे एज एन एक्टिविस्ट देखती रहती हूँ ऐसे केसेस में, कि यहाँ पे जैसे अभी जो नए अधिकारी हैं, जो अब की जो इस वक्त की जो जनरेशन में जो नए आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं, ये पहले वाले जो लोग थे उनके मुकाबले अधिक सेंसिटाइज्ड हैं, खास तौर से महिला अधिकारों और जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स के बारे में। ये जो एकेडमी में जो इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है वो पहले के मुकाबले, मैं आज के 20 साल पहले, मैं तो 40 साल से काम कर रही हूँ, तो जो 20-30 साल पहले की जो लॉट थी उसके मुकाबले अगर आप पूछें मुझसे आज की में, तो आज का अधिकारी काफी सुलझा हुआ है। वो जो हालांकि अभी भी थ्रेड्स आर देयर, थ्रेड क्या है, वो पुराने धागे बंधन जो हमारे ब्रिटिश राज से, जो कॉलोनियल जिसको हम बोलते हैं, एक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आज भी है, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आज भी हमारी फोर्सेस सोचती हैं क्या पुलिस के आर्मी, तो वो बेशक है, लेकिन सेंसिटाइजेशन भी हुआ है। पहले के मुकाबले आज की जो पुलिस है उसका एक सॉफ्ट डाउन मैंने देखा, मतलब दो तरह के अब वो रोल्स में संतुलन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स के संग में बहुत हार्ड बनते हैं और लेकिन आम नागरिक के संग में वो एक सॉफ्ट रोल में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे मेरा कहना यह है कि पहले से पुलिस के बारे में कोई दुर्भावना ना रखें, क्योंकि पुलिस पुलिस विभाग के अंदर बहुत चेंज हो गया है, माहौल बहुत बदल चुका है पिछले 20-30 सालों में, संवेदनाएं जो हैं वो पहले के मुकाबले बढ़ी हैं। तो पहले से पुलिस के विषय में दुर्भावना रख करके सबसे पहले तो आम नागरिकों को कहूंगी कि पहले से मत सोचिए कि सब कुछ गलत ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, यदि आपको पता रहेगा कि आपका क्या अधिकार है और इनकी क्या शक्तियां हैं, तो जहां पे वो अपनी शक्ति और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे आपको पता रहेगा, और आपके अधिकारों का उल्लंघन आप करेंगे तो आपको भी उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वर्दी का एक सम्मान तो होता है और वो सम्मान आपको करना ही होगा। अगर पुलिस आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट झूठी आ गई पुलिस थाने पे और आपको बुलाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना डरे वहां जाइए, अपनी बात को कहिए, क्योंकि सीधे सीधे कोई एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर करने के पहले भी तफ्तीश होती है, जांच नहीं होती है, तफ्तीश होती है, जिसमें जिस पर आपको अगर बुलाया जा रहा है। और हाँ, महिलाओं के लिए खास तौर पे बोलूं, क्योंकि हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिला को थाने जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यदि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन करी है और उसको फोन आता है थाने से, तो वो कह सकती है कि वो सादे कपड़ों में उनके घर पर या वो जहां बुलाना चाहे वहां पे आकर के पुलिस वाले उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन महिला पुलिस आके उससे बात करेगी, पुरुष नहीं करेगा। दूसरी, चाहे एफआईआर अगर हो गई और उसको थाने पे बुला रहे हैं और उसको डर है कि ये झूठी एफआईआर और मुझे जबरदस्ती कुछ वहां पे मुसीबत में फंसाएंगे, तो अपना वकील बुला सकती है, यदि दीवानी की कोई कंप्लेन है तो वकील को सीधे भेज सकती है, और यदि फौजदारी की कोई कंप्लेन है तो वकील के साथ जा सकती है। और उसके अलावा वो ये भी मांग कर सकती है महिला, तो वो पहले लिखित में उसको एक भेजे, समन भेजे पुलिस, लिखित में समन आए और उस पर धाराएं बताए कि किन धाराओं के तहत उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, और एफआईआर की कॉपी उसको उपलब्ध कराई जाए, और ये सभी कुछ निशुल्क होता है, ये उसका अधिकार होता है, जिसपे आरोप लगे उसका अधिकार होता है कि उसको मिले, उसको बताया जाए कि तुम पे क्या आरोप लगे, और वो जाए, और ये अधिकार पुरुष के पास भी है। बिना एफआईआर लिखे हुए दरअसल पुलिस कैन नॉट कॉल एनीवन इन द थाना, थाने में बुलाने के लिए एक सीरियस धारा की कोई एफआईआर होनी आवश्यक है। कई ऐसी होती है नॉन, जिसमें कोई असंगे और संगे तरह के अपराध होते हैं, संगे बड़ा सीरियस क्राइम होता है, बलात्कार हो गया, डकैती हो गई, देशद्रोह हो गया, ये तो सीरियस हो गए, इसमें तो ठीक है, समझ में आता है कि पुलिस जो है सीधे घर से आके उठा के ले जाएगी या किसी भी सार्वजनिक स्थान से भी उठा के ले जाएगी, क्योंकि संगीन आरोप है, संगीन कंप्लेन है, तो पुलिस ले जा सकती है,
लेकिन जहां पे असंज्ञेय धाराएं हैं, मतलब क्राइम कोई ऐसी नेचर का नहीं है कि जिसमें मानवता के खिलाफ क्राइम हो गया, स्टेट के विरुद्ध कोई अपराध हो गया, राज्य के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो ये फर्क है। निश्चित रूप से मैडम, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे साझा की, और हम जो भी टॉक, जो भी विशेष चर्चा यहाँ पर करते हैं वो लाखों लाखों लोगों तक पहुँचती है। इससे पहले भी हमने कई मुद्दों पर बात की है और लाखों लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है, लोग उससे लाभान्वित होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस विशेष चर्चा से भी बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि पुलिस हर बार ज्यादती नहीं करती है, वो अपने वैधानिक कार्यों को भी निष्पादित करती है, लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म करती है, लेकिन हाँ, SPCA का रोल तभी खड़ा होता है, तभी शुरू होता है जहां पर पुलिस जाती करती है। और अगर पुलिस ऐसा कोई भी जाती करती है तो आज मैडम ने SPCA के बारे में बहुत डिटेल से बताया। मैडम आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पार्थ आपको और आपके इस ब्यूटीफुल पोर्टल को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप युवा जो लोग हैं, आप लोग देश की डेमोक्रेसी के तो बहुत हैं ही, बहुत बड़े एक आप लोग उसके पार्ट सारथी हैं कहूंगी, और साथ ही साथ आप कानून की इतनी अच्छी जानकारियों को इतने अच्छे तरीके से रखते हैं, इतने बढ़िया तरीके से आप अपने दर्शकों तक पहुंचते हैं और आम आदमी तक सही कानूनी जानकारी संतुलित जानकारी जानी बहुत जरूरी है। आज का माहौल देश का बहुत अजीबोगरीब चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारी और आपकी ये ड्यूटी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग वकील कम्युनिटी से होने के नाते अपने लोगों को, अपनी आम जनता को बहुत सही सरल जानकारियां पहुंचाएं और देश में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए हम और आप एक दूसरे के साथी बने। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।